टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाहती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। वादी कश्मीर पोनी राइडिंग के हवाले से खुसूसी शोहरत का हामिल है। इस सिलसिले में अब पोनी राइडिंग की टिकटों की बुकिंग काउंटर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कायम कर दिए गए हैं, जिसको इस सनत से वाबस्ता लोग सराह रहे हैं। आज उनने पहल की हमारे डिपार्टमेंट के साथ मिलके और यहाँ एक प्रीपेड काउंटर जो है वो टूरिस्ट के लिए किया, जो हमारे पोनीज के लिए है। बहुत देर से ये डिमांड रही है प्रीपेड काउंटर हो, जिससे हमारे पोनी वाले जो है उनका जो बिजनेस है वो रेगुलेट भी हो और कहीं पे किसी किस्म कोई चीटिंग भी टूरिस्ट के साथ ना हो। मैं बहुत खुश हूँ आज कि पहलगाम ने ये जो है ये पहल की है और सबसे पहला हमारा प्रीपेड काउंटर आज पहलगाम में उसकी शुरुआत हुई है। लोगों को फायदा होगा ना, टूरिस्ट बेचारा क्या करेगा, उसको वो यहाँ पे आता है लोकल लोगों को फायदा के लिए, को रेट फिक्स रहेगा तो फायदा लोकल लोगों को ही है, लोगों के माइंड में फिक्स रहेगा ये है तो बहुत लोग आएंगे, तो खत्म हो जाएगा, बार्गेनिंग खत्म हो जाएगा, वो अच्छा है सबके लिए अच्छा है। तो काफी लोगों को मैं बताऊंगा कि ये अच्छी जगह है, आओ यहाँ पे रेट फिक्स हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने रेट है तो अच्छा ही है। इससे टूरिस्ट को भी फायदा और घोड़े वाले को भी फायदा है। घोड़े वाले को इस तरह फायदा है कि जो बदनामी का नाम लगाया जाता है वो मिट जाएगा, और टूरिस्ट को ये फायदा रहेगा कि जो रेट फिक्स गवर्नमेंट ने किया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने किया है, वो वही ले जाएगा, उससे आगे एक्स्ट्रा नहीं लेके जाएगा। जम्मू कश्मीर से हज पर जाने की तैयारियां करने वालों की वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। इस सिलसिला में खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोविड के बाद पहली बार मतलब हज इज़ बीइंग अलाउड फॉर अदर कंट्रीज़ इन अ रिड्यूस मैनर, बट इट इज़ बीइंग अलाउड। तो इसकी जो मतलब वैक्सीन की अहमियत तो सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि कोविड के बाद कोई भी प्रिकॉशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। जो वहाँ पे भीड़ इस साल होगी वो मतलब ऑलमोस्ट 50-60% जो वहाँ पे पीक भीड़ होती थी उसमें एक पिलग्रिम को बिसाइड्स वैक्सीनेशन जो हम 3 वैक्सीन यहाँ पे हमने कल से किए हैं, एक पोलियो ड्रॉप्स, एक न्यूमोकॉकल वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड मेनिंगोकॉकल वैक्सीन, ये बहुत ही इनकी मतलब अहमियत बहुत ज़्यादा है। इनसे ये पिलग्रिम्स को मतलब कोई क्रॉस इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं होगा, इन ये सेहतयाब रहेंगे और ये अपनी हज के जो सारे लाजमात हैं वो अच्छी तरह करेंगे। हमें SMS मिली थी, हमें हज हाउस की तरफ से बुलावा आया था वैक्सीनेशन के लिए, तो 2 साल के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ वैक्सीनेशन का अमल लाया जा रहा है। तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिछले माजी में भी हमने देखा है कि इसकी वैक्सीनेशन की नीड बहुत होती है और हम इंशाल्लाह सफ़रे महमूद पर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह कबूलियत की दुआ कीजिए, अपनी रियासत के लिए भी दुआ करेंगे और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। हाल ही में अनंतनाग के मुकाम पर नेशनल मार्शल आर्ट्स का एक कैंप लगाया गया जिसमें इलाके के लोगों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर माहरीन ने कैंप में हिस्सा लेने वाले नौजवानों को भरपूर अंदाज के साथ तरबियत फराहम की। आईमा का मेंबर हूँ। आईमा इज है ऑल इंडिया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन और इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है और उसके बिहाफ से मैं इधर कश्मीर में आया हूँ और मुझे वंडरफुल होस्ट किया है आकिब सर ने और हमें बहुत प्यार से कश्मीर को बुलाया उनके बच्चों के लिए MMA सिखाने के लिए। इधर पे उन्होंने हमें, आज हमारा 6th day है, 6th दिन है जो हमें सिखा रहे हैं उसमें हमने उससे बहुत सारे लॉक चोक सीखे जो हमें बहुत काम के आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने यूथ से कि आप MMA ज्वाइन करें क्योंकि जिस बच्चे को शौक होता है मार्शल आर्ट खेलने का वो पहली बात मेरी सुने कि आप MMA ज्वाइन करें क्योंकि MMA मिक्स मार्शल आर्ट, इसमें सारे मार्शल आर्ट का मिक्सचर है। ये कैंप मेरे लिए बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ नया। ग्राउंड गेम इंडोर में खेली जाती है, स्टैंडिंग हम अलग अलग प्लेस पे जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और सो ब्यूटीफुल। कश्मीर लाइक का डेंजरस एंड ब्यूटीफुल दोनों कहूँगी मैं, बिकॉज हर एक नया चैलेंज। तो आकिब सर ने जो ये ऑर्गेनाइज किया, सबसे थैंक्स फॉर आकिब सर क्योंकि उन्होंने हमें समझा कि हमें आउटडोर ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है।
इन्हीं दिनों पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रॉबेरी की फसल की कटौती का काम आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। स्ट्रॉबेरी के किसान अच्छी फसल की उम्मीद रखे हुए हैं। हमारा स्ट्रॉबेरी है, ये हमारा फर्स्ट क्रॉप है जो हमारा यहाँ पे हार्वेस्ट होता है। स्टोन फ्रूट से पहले हार्वेस्ट होता है, इसलिए इसमें लगभग एक महीना हमें हो गया हार्वेस्ट करे हुए कर रहे हैं। इनफैक्ट इसकी तो आपको पता है कि इसमें बहुत पिकिंग्स होती है, तो दूसरी तीसरी पिकिंग इसमें चल रही है। और माशाल्लाह इस टाइम इस बार हमारा मौसम थोड़ा बाकी सालों की बनस्बत थोड़ा गर्म ही रहा, तो इसका सीज़न जो है इसका थोड़ा अर्ली हमारा आ गया। लास्ट ईयर हार्वेस्ट हुआ था 5 मई को, लेकिन इस साल हीट वेव थी मार्च में, जिसकी वजह से ये 18 अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ। और फ्रूट भी ठीक है और कस्टमर्स भी ठीक है, रेट भी इस साल इंशाल्लाह ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि फसल भी ठीक है। मगर पिछले दो तीन साल से कोविड था जिसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन इस साल उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा फ़ायदा देगा। इसमें हम आए, हम के हो गया एक महीना हो गया हमें यहाँ पे, हम यहाँ काम करते हैं। अभी लगभग 20 दिन हो गया स्ट्रॉबेरी का काम चलता हुआ, अभी एक हफ्ता और चलेगा इसका काम स्ट्रॉबेरी का। डल लेक कश्मीर के मुकाम पर हैंडीक्राफ्ट्स के मसनूआत की बड़ी नुमाइश हालिया दिनों में मुनक्किद हुई, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस तरह की नुमाइशें कश्मीर में होती रहती हैं, जिससे सनत को फरोग मिल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स ऐसे एग्जीबिशन तो करते रहते हैं, मतलब साल में चलते रहते हैं। अभी इसके बाद हमारा गुलमर्ग में है प्लान, उसके बाद यात्रा का सीज़न देखते हुए बालथल और पहलगाम में भी हो रहा है। तो ये एक आर्टिज़न कम्युनिटी को, हम डिपार्टमेंट चाहता है कि आर्टिज़न कम्युनिटी को मैक्सिमम फ़ायदा मिले।
हमारा जो नाम उसमें आया है, चुना गया है पहले ही नाम उसमें, तो हम बेसिकली डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, अशमुकाम से हम आए हैं, तो उसमें जो हमारी सिलेक्शन हुई है और शॉप हमें यहाँ पे मिला है, तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि रेस्पॉन्ड बस अच्छा मिलना चाहिए इस काम में। तो टूरिज़्म के हवाले से हम ये बात करेंगे, अगर टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो सबको फ़ायदा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे स्पेशली हम लोग इस हैंडीक्राफ्ट से अट्रैक्ट हुए हैं और काफ़ी अच्छा है यहाँ का हैंडीक्राफ्ट और हमें यहाँ मार्केट बड़ा अच्छा लगा है। अभी आई थिंक से ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, तो अगर ये और थोड़ा बढ़ेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा और स्पॉट मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।